जयपुर से केदारनाथ की, बने रहिए लास्ट तक, इसकी बिल्कुल मत करना वीडियो को। कैसी रोड की कंडीशन है, कैसा वेदर है, सब कुछ आपको रास्ते में दिखाऊंगा केदारनाथ तक। तो यात्रा की शुरुआत करते हैं सबसे पहले महादेव जी के नाम से। भोलेनाथ सबके साथ, हर हर महादेव। सुबह सुबह का टाइम है और हम निकल गए जयपुर से आगरा वाले रोड पर, जो एक टनल में से होकर गुजरता है। टनल में लाइटों की पूरी व्यवस्था है। और फिर आता है इस रोड का पहला टोल प्लाजा। ये रोड बहुत अच्छी बनी है। जयपुर से लगभग 75 किलोमीटर के बाद ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे मिलता है। यहां पे भी टोल स्टार्ट हो गया। हाय हाय हाय, ये देखो जी नजारे हाईवे के, राजगढ़ 71, दिल्ली 240। अभी 8:52 हुए और हम जरूर चेक करेंगे कि 110-115 की स्पीड से हम दिल्ली जो बॉर्डर है वो कब तक पहुंच पाएंगे। इतना ज्यादा सिस्टम बना हुआ है ना यहाँ पे, ऐसा पता लगता ही नहीं कि अभी अपने आप इंडिया में चल रहे के बाहर आए हुए। भाई गुड, ऐसा लगता है जैसे विदेश में घूम रहे हो। कितनी शानदार रोड बनी हुई है यार। बस दोस्तों, हमने वो हाईवे छोड़ दिया मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे और अब जा रहे हम ईस्टर्न पेरिफेरल पे, KMP एक्सप्रेसवे। जयपुर से रवाना होते हो सुबह 7 बजे, तो थोड़ा सा ठीक चलोगे तो लगभग 1-1.5 बजे तक आप हरिद्वार पहुंच सकते हो। और रही रोड कंडीशन की बात, तो शानदार है। ओवरऑल कहूंगा कि रोड सब जगह अच्छी है। जयपुर राजस्थान से चले थे, राजस्थान के बाद हमने क्रॉस किया हरियाणा, हरियाणा के बाद उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद अब ये चौथा स्टेट है एक ही दिन के अंदर। उत्तराखंड में आपका स्वागत है दोस्तों। लो जी, जैसे ऋषिकेश बाईपास से निकले हैं, सामने शानदार वाले पहाड़ आने शुरू हो गए हैं और वो जो चिलचिलाती सी धूप थी ना, वो भी खत्म हो गई है। ऋषिकेश से रवाना होने के करीब करीब यूँ मान लो 3 घंटे के बाद सिर्फ 90 किलोमीटर हमने सफ़र किया है और ये देखो साक्षात भगवान शिव खड़े हैं। बाई गॉड, बहुत सुंदर लग रहा है। पीछे इतने बड़े बड़े पहाड़ हैं, बिल्कुल वेदर शानदार है और साथ में बड़ा सारा शिवलिंग बनाया हुआ है। और फिर उसके बाद शुरू होता है इन खूबसूरत पहाड़ों का सफ़र। ऋषिकेश से लगभग 70-75 किलोमीटर के बाद यूँ मान लो कि 1.5 से 2 घंटे की ड्राइव के बाद रोड की कंडीशन सब जगह बहुत अच्छी, आप देख ही रहे हो, बड़े बड़े ब्रिज बने हुए हैं। फिर आता है देवप्रयाग। कोशिश करना आप सीधा आप उसको ऊपर से देख के ना निकलो, नीचे जाना, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। रोड साइड पे गाड़ी की पार्किंग है और वहाँ जब आप नीचे जाओगे तो शानदार अद्भुत नज़ारा मिलेगा आपको। वहीं से माँ गंगा बनती है और वो जो मतलब एक एहसास है ना, उसको आप वैसे ऊपर से देख के आपको पता चलेगा नहीं। जरूर कोशिश करना कि नीचे जाओ आप। और देवप्रयाग के बाद करीब 45-47 किलोमीटर के बाद आता है माँ धारी देवी का मंदिर। इसके लिए आपको थोड़ा सा नीचे जाना पड़ेगा। ये एक बांध पे बना हुआ मंदिर है और कहते हैं कि माँ धारी देवी ही चारों धाम की रक्षा करती है। उसके बाद आप आगे बढ़ोगे तो बहुत शानदार खूबसूरत नज़ारे मिलेंगे आपको। कहीं कहीं तो बादल नीचे होंगे और आपकी सड़कें ऊपर होगी। देखो कितनी शानदार रोड है, मतलब ऐसा है कि इतनी पूरे नॉर्थ इंडिया में इतनी गर्मी पड़ रही है, उसके बावजूद यहाँ देखो कितनी फॉग है पूरे रोड पे। शानदार रोड बनी हुई है हर जगह ही। फिर हम शाम को करीब करीब यूँ मान लो कि 5 बजे पहुंच जाते हैं, 4 से 5 के आसपास पहुंच जाते हैं गुप्त काशी। गुप्त काशी ये वो जगह है जहां से पुराने ज़माने में तीर्थ यात्रा शुरू होती थी बाबा केदार की पद यात्रा। अब तो खैर आगे सीतापुर तक पहुंच गई ये रोड, लेकिन पहले से यात्रा यहीं से शुरू होती थी। अभी हम हैं आपके गुप्त काशी में।
मैं होटल में घूम रहा हूँ, जस्ट सामने ही मंदिर का रास्ता है, वहाँ मंदिर में जाके आपको दर्शन कराते हैं, फिर आगे की यात्रा प्रारंभ करेंगे। गुप्त काशी का ये एकमात्र वो मंदिर है जहाँ पे गंगा और यमुना दोनों एक साथ बहती है, और ये अर्धनारेश्वर मंदिर कहलाता है। यहाँ पे आप अपने पूर्वजों के पिंडदान भी कर सकते हो, पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना भी कर सकते हो, पूजा भी करा सकते हो, जो कि हमने भी कराई थी। ओम सत्यन इंद्रो विदस्तरवाहा सत्यन पुरुषा विश्ववेदाहा सत्यन अस्तारिक्यो वरिष्ठनेमिः सत्यन ओम बृहस्पतिर् तदातु ओम भद्रम कर्णेर्विश्रुणुयाम देवा भद्रम पशीर्मा सवीर्यजत्राः सते रंगी तुष्वागम सत्यनो गृहसेमा पूजन बस ये यात्रा का लास्ट पार्ट है, गुप्त काशी से लेकर सीतापुर तक। रोड की कंडीशन थोड़ी सी ख़राब है, नैरो है, और ये पूरा लैंडस्लाइड जोन है। बस सामने से कोई गाड़ी आती है तो बिल्कुल आराम से आप उसको क्रॉस कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन है थोड़ी सी ख़राब रोड। ये पार्ट खराब है साहब, बहुत ही ज़्यादा, और लगातार पुलिस प्रशासन लगा हुआ है ताकि कोई जाम ना लग जाए। नीचे के अगर खाई दिखाऊँ आपको तो मेरे खुद की हलक में सांसें आई हुई है, इसलिए यार रोक भी नहीं सकता। ऐसे रोड को देख के डर लगता है, बाकी चलाते वक्त डर नहीं लग रहा है। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि रेनी सीजन में ये सारी रोड जो है ना ज़्यादा ही डेंजरस हो जाती है। अब बीच बीच में कुछ ऐसे पार्ट है लैंडस्लाइड वाले जहाँ पे रोड नहीं बनी हुई है, बाकी बहुत जगह रोड गुप्त काशी के बाद अच्छी बनी हुई है।